सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश ने राज्य में महानगर पालिका और जिला परिषद चुनाव कराने राज्य सरकार को बाध्य कर दिया है। फिलहाल 2 सप्ताह में राज्य निर्वाचन आयोग को इस पर निर्णय लेने को कहा गया है। अभी तक मनपा निर्वाचन विभाग के पास इसके स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं आए हैं। विभाग का कहना है कि 2 सप्ताह बाद चुनाव आयोग स्थिति स्पष्ट करेगा। 2 सप्ताह बाद यदि चुनाव कार्यक्रम घोषित होते हैं तो चुनाव जून अंत तक होने की संभावना है। हालांकि इस पर भी संकट के बादल है, तब बारिश की स्थिति रहेगी। ऐसे में चुनाव होंगे या नहीं, इस पर अभी से कोई भविष्यवाणी करना जल्दबाजी माना जा रहा है। अधिकारियों के सामने भी चुनाव को लेकर किंतु परंतु जैसे सवाल है। राज्य सरकार ने पहले 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति की घोषणा की थी, इस अनुसार प्रभाग रचना भी हुई। प्रभाग रचना पर आए आपत्ति सुझाव पर सुनवाई भी हुई। प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी ने नागपुर में इस पर सुनवाई पूरी की। इस बीच ओबीसी आरक्षण का मामला और उलझने से राज्य सरकार ने ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए विधानमंडल में नया कानून पारित किया। इस अनुसार स्थानीय निकाय के चुनाव कराने के अधिकार राज्य सरकार को मिल गए। यह अधिकार मिलने के बाद राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति रद्द कर नए सिरे से प्रभाग पद्धति की रचना करने के निर्देश दिए थे। हालांकि प्रभाग पद्धति कितने सदस्यों की होगी यह स्पष्ट नहीं किया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की तारीख घोषित करनी है। ऐसे में नई प्रभाग रचना कर उसकी प्रक्रिया पूरी करने में समय लगने की आशंका है। इस कारण अगर चुनाव होते हैं तो 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति से चुनाव होने की संभावना जताई गई है। फिलहाल 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति में 52 प्रभाग होंगे। प्रत्येक प्रभाग में 3 नगर सेवक होंगे। कुल 156 नगर सेवक चुने जाएंगे। 31 अनुसूचित जाति, 12 अनुसूचित जनजाति और 78 महिला आरक्षित सीटें रहेगी। अगर ओबीसी आरक्षण बिना चुनाव होते हैं तो ओबीसी आरक्षित 35 सीटें अब सामान्य वर्ग के लिए खुली रखी जाएगी। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।